दोस्तों, ई गार्जियन इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी मुहावरे और उनके अर्थ का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने इससे पहले अपलोड किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप चाहें तो पार्ट 1 वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला मुहावरा है टिप्स लगाना का सही अर्थ क्या है? झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना या रिश्वत देना। इसका सही अर्थ है सिफारिश करना। जहर का घूंट पीना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना या बैंक सेना। इसका सही उत्तर है क्रोध को नियंत्रित करना। चोली दामन का साथ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे से स्पर्धा। इसका सही उत्तर है ए, एक दूसरे पर निर्भरता। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा या बिल्कुल असमर्थ होना। इसका सही उत्तर है सी, एकमात्र सहारा। कौड़ी को न पूछना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? मदद न करना, निकम्मा समझना, निमंत्रण न देना, खतरे से बचाना। इसका सही अर्थ है बी, निकम्मा समझना। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या है? पिटाई करना, क्रोधित होना, डिंग हाँकना या गाली देना। इसका सही उत्तर है सी, डिंग हाँकना। घुटने टेक देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? विवाह करना, याद करना, हार मानना या कायर होना। इसका सही उत्तर है सी, हार मानना। घर बसाना मुहावरा का अर्थ क्या है? घर बनाना, घर में रहना, मदद करना, विवाह करना। इसका सही उत्तर है डी, विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरा का अर्थ क्या है? बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना या बहुत अधिक निराश होना। इसका सही उत्तर है सी, बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना या क्रोधित होना। इसका सही अर्थ है डी, घबरा जाना। ठन ठन गोपाल मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कंगाल, बेकार, धनवान या समय आने पर मुकर जाना। इसका सही अर्थ है कंगाल। तालू में जीभ न लगाना मुहावरा का अर्थ क्या है? भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप न रहना, स्वाद न मिलना। इसका सही उत्तर है सी, चुप न रहना। बांसों उछलना मुहावरा का अर्थ क्या है? अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना, प्रसन्न होना। इसका सही उत्तर है डी, प्रसन्न होना। भाड़ झोंकना मुहावरा का अर्थ क्या है? अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना या व्यर्थ समय नष्ट करना। इसका सही उत्तर है डी, व्यर्थ समय नष्ट करना।
टस से मस न होना मुहावरा का अर्थ क्या है? कठोर हृदय होना, विनती से भी न पसीजना, जगह न बदलना या धैर्य पूर्वक सहन करना। इसका सही उत्तर है बी, विनती से भी न पसीजना। टांग अराना मुहावरा का अर्थ क्या है? बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना या अवरोध पैदा करना। इसका सही अर्थ है डी, अवरोध पैदा करना। मुंह का निवाला मुहावरा का अर्थ क्या है? स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। इसका सही अर्थ है सी, बहुत आसान काम। समुद्र मंथन करना मुहावरा का अर्थ क्या है? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। इसका सही अर्थ है डी, कठोर परिश्रम करना। खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना या हाथ धोना। इसके लिए सही मुहावरा है डी, हाथ धोना। छाती पर मूंग दलना मुहावरा का अर्थ क्या है? कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना या पास रहकर दुख देना। इसका सही अर्थ है डी, पास रहकर दुख देना। तीर मारना मुहावरा का अर्थ क्या है? युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। इसका सही अर्थ है सी, बड़ा काम करना। अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवीहीन व्यक्ति। इसका सही अर्थ है डी, अनुभवहीन व्यक्ति। आगा पीछा करना मुहावरा का अर्थ क्या है? चापलूसी करना, उलटफेर करना, हिचकना या दुविधा में पड़ना। इसका अर्थ है सी, हिचकना। आंखें बिछाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रेम होना, झिड़की देना, प्रतीक्षा करना या आदर सत्कार करना। इसका उत्तर है सी, प्रतीक्षा करना। आकाश से बातें करना मुहावरा का अर्थ क्या है? घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना या अपने आप बोलते रहना। इसका अर्थ है बी, बहुत ऊंचा होना। कांटा बोना मुहावरा का अर्थ क्या है? भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना या प्यार करना। इसका अर्थ है डी, हानि पहुंचाना। कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीजें लिखना या बहुत मेहनत करना। इसका अर्थ है बहुत सुंदर लिखना। तेली का बैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या निर्धन होना। इसका अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा क्या है? काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना या डेरा उठ जाना। इसका
अर्थ है, इसका मुहावरा है काम आना। किसी के यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो जाने के लिए सही मुहावरा क्या है? नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या हाथ तंग होना। इसके लिए सही मुहावरा है अन्न जल उठ जाना। मूछ मुंडाना मुहावरा का अर्थ क्या है? बुरा भला सुनाना, अहंकारी होना, बनावटी बातें करना, हार मानना। इसका अर्थ है हार मानना। लंगोटी में फांग खेलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद मनाना। इसका अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। सीधे मुंह बात न करना मुहावरा का अर्थ क्या है? नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना या घमंड करना। इसका अर्थ है घमंड करना। अब गीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, इस मुहावरा का सही अर्थ क्या है? सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का या अत्यधिक पिटाई करने का। इसका सही अर्थ है विवाह करने का। आग में घी डालना मुहावरा का अर्थ क्या है? शुभ अवसर पर अर्चन डालना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना या मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। इसका अर्थ है किसी के क्रोध को भड़काना। आड़े समय पर काम आना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना, सिफारिश करना। इसका सही अर्थ है मुसीबत में काम आना। ईमान बेचना मुहावरा का अर्थ क्या है? धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। इसका अर्थ है अपने कर्तव्य से हट जाना। काठ का उल्लू इस मुहावरे का अर्थ क्या है? निर्जीव, गुणवान, मूर्ख या अत्यधिक सरल। इसका अर्थ है मूर्ख। रेखा ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एंडी चोटी का जोड़ लगाना या लुटिया डुबाना। इसका अर्थ है एडी चोटी का जोड़ लगाना। भागीरथ प्रयत्न इस मुहावरे का अर्थ क्या है? साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, लगातार प्रयत्न करते रहना या कठिन तपस्या करना। इसका अर्थ है असाधारण प्रयत्न करना। भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरा का अर्थ क्या है? दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही अर्थ है दृढ़ प्रतिज्ञा करना। खून पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर न होना, भाई का खून करना, पानी पीते ही खून की उल्टी करना। इसका सही अर्थ है कोई असर न होना। अत्रियों में बल पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? बहुत रोना, बहुत हंसना, बीमार होना, दौड़ धूप करना। इसका सही अर्थ है बहुत हंसना। अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या है? इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य की एक मुद्रा। इसका सही अर्थ है इनकार करना।
भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, इस वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या होगा? अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना या भूत भगाना? इसका सही मुहावरा होगा लुटिया डुबाना। द्रौपदी का चीर मुहावरा का सही अर्थ क्या है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना या इनमें से कोई नहीं? इसका सही अर्थ है कभी समाप्त न होना। उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या है? ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। इसका अर्थ है अपना काम निकालना। ठिकरा फूटना मुहावरा का अर्थ क्या है? जोर जोर से हंसना, दुखी होना, किसी के सर झूठा दोष लगाना या बर्तन तोड़ना? इसका सही अर्थ है किसी के सर झूठा दोष लगाना। उलट फेर होना मुहावरा का अर्थ क्या है? करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना या परिवर्तन होना? इसका अर्थ है परिवर्तन होना। पापड़ बेलना मुहावरा का अर्थ क्या है? पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना, खाना बनाना या पतली रोटी बनाना? इसका सही अर्थ है मुसीबत उठाना। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो में कमेंट और लाइक वीडियो को ज़रूर करें। धन्यवाद।